श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 12वां अध्याय भक्ति योग पे था और आज का विषय है हमारा अध्याय 13 जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग इसका नाम है। योगा माई लाइफ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। अर्जुन यहाँ बोलना शुरू करते हैं, हे केशव, मैं आपसे प्रकृति एवं पुरुष क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ, यानी कि प्रकृति क्षेत्र है और जो पुरुष है वो क्षेत्रज्ञ है, ज्ञान एवं ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानना चाहता हूँ। ये अर्जुन का क्वेश्चन है 12 अध्याय खत्म होने के बाद। बहुत कुछ समझ चुके हैं, भक्ति योग तक सभी योग आ चुके हैं। प्रकृति की बात भगवान ने बहुत बारी कही है और पुरुष की बात भी बहुत बारी कही है और ज्ञान की बात बहुत बारी कही है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उनके मन में उमड़ के आया है कि जो ये प्रकृति है वो क्या है और पुरुष है वो क्या है, उन दोनों का आपस में संबंध क्या है और ज्ञान का लक्ष्य क्या हो सकता है, ज्ञान से होगा क्या, इस विषय में अर्जुन जानना चाह रहे हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर जो क्षेत्र इसको हम कह सकते हैं, जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर ही प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्म संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र है ऐसा कहा जाता है। क्षेत्र जमीन को भी कहा जाता है, इसलिए शरीर को क्षेत्र कहा गया। और जैसे हम खेतों में बीज बोते हैं और एक निश्चित समय के बाद उसके फल हमें मिलते हैं, ऐसे ही इसमें इस शरीर के अंदर हम कर्म बोते हैं और वो कर्म हमें फल देते हैं, तो दोनों बातें लगभग मिलती जुलती हैं। और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं और इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले जो हैं ज्ञानी जन ऐसा बोलते हैं कि जो क्षेत्र है वो शरीर है, जो क्षेत्रज्ञ है वो पुरुष है या आत्मा है। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा मुझको ही जान, क्योंकि जीवात्मा भगवान का ही अंश है, परमात्मा का ही अंश है और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से जानना है वो ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। ज्ञान भी यही है, किताबें पढ़ना और साइंस को जानना वो विज्ञान है। विज्ञान का मतलब ये है कि वो हमारे शरीर से संबंधित है और फिजिकल लॉ जो अवेलेबल हैं इस यूनिवर्स के अंदर उनसे संबंधित है, लेकिन उन फिजिकल नियमों को बनाने वाला कौन है और वो फिजिकल हमारे नियम हमारे पर किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं उसको जानना, जिसको मेटाफिजिक्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, वो ज्ञान है। यह क्षेत्र जो और जैसा है और जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वे अब संक्षेप में मुझसे सुन। अब क्षेत्र के बारे में भी बताएंगे और क्षेत्रज्ञ के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मा सूत्रों के पदों द्वारा भी कहा गया है। यहाँ ये बताया हुआ है कि अलग अलग ग्रंथों ने, ऋषियों ने जो ह्यूमन बॉडी है उसके बारे में और जो सोल है उसके बारे में कई तरीके से कहा है और उसी बात को और अच्छे ढंग से भगवान श्री कृष्ण और संक्षेप में समझाना चाह रहे हैं। पांच महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल, देह का पिंड, चेतना और घृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। मतलब इन चीजों से बना हुआ है ये शरीर, जिसमें इच्छा है, दुख है, द्वेष है, सुख दुख है, चेतना भी है, महसूस कर सकते हैं कि ये शरीर मेरा है और ये शरीर है, इस बात को महसूस कर सकते हैं।
और इसमें क्या क्या है, मन है, पांच महाभूतों से बना हुआ, अहंकार भी है, बुद्धि भी है, इसकी मूल प्रकृति भी, दस इंद्रियां हैं, मन है, इंद्रियों के विषय हैं। तो ये हमारे शरीर के बारे में भगवान ने बताया। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दम्भाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से ना सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सौ सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, ये कुछ खास गुण हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा रोग, जरा मैंने बुढ़ापा, रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, स्त्री पुत्र घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव सहित प्रेम भाव से भगवान का निरंतर चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है, तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषाक्त मनुष्य में के समुदाय में प्रेम ना होना। ये विषाक्त मतलब जो विश्व की ओर भाग रहे हैं, जिनका उद्देश्य परमार्थ नहीं है, ईश्वर नहीं है, जिनका उद्देश्य उनके तन को पैंपर करना है, उन में आसक्ति, उन विश्व उन मनुष्यों की तरफ भी आसक्ति ना होना। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, हर वक्त अध्यात्म ज्ञान के पीछे रहना, हर वक्त अध्यात्म पे चर्चा करना, उसे जानने की कोशिश करना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है। अब ये बातें बताई गई, ज्ञान की बात वो पूछ रहा था कि ज्ञान है क्या। असल में अध्यात्म यानी कि शरीर से परे जो शक्ति है उसके बारे में सोचना, उसका निरंतर चिंतन करना, वो क्या है जिसने शरीर बनाया, जिसने मन बनाया, जिसने आंखें बनाई, जिसने आंख को देखने वाला बनाया, जिसने दृश्य बनाया, वो क्या है, इस बारे में सोचना ज्ञान है। बाकी सब अज्ञान है। अज्ञान भी है, अज्ञान की भी अपनी वैल्यू है, अज्ञान में भी फंसे रह सकते हैं और अज्ञान से निकलने का तरीका ज्ञान है। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूंगा, और वह अनादि वाला परब्रह्म ना सत कहा जाता है ना असत्य ही, इसलिए कहा जाता है कि असत्य को भी छोड़ना होगा और सत्य को भी छोड़ना होगा। सत्य से अगर चिपक के रह गए, सत्य को अगर पकड़ के रखा तो भी बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि ब्रह्मा ना सत्य है ना असत्य है, वो सत्य से भी परे है और असत्य से भी परे है। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र और सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। ये सब और हाथ पैर वाले का मतलब ये नहीं है कि जो हाथ पैर और कान आंखें सिर मुख हर जगह है, ऐसा नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब, क्योंकि हम इन चीजों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास केवल यही है, हमारे पास केवल कान है, आंख है, त्वचा है, सिर है, मुख है और आंखें हैं समझने के लिए, लेकिन ईश्वर खुद एक समझ शक्ति है, वो हर जगह व्याप्त है, इसलिए हम बोल देते हैं कि वो सब और हाथ पैर वाला है, सब और नेत्र वाला है, सिर वाला है, मुख वाला है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में वह सब इंद्रियों से रहित है, क्योंकि उसने सब बनाया, क्योंकि उससे सब बना हुआ है, इसलिए वो सबका जानकार है, लेकिन वो उस तरीके से फंसता नहीं है जिस तरीके से हम फंसे हुए हैं और उसको रियल मान रहे हैं। वह आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है, हालांकि आसक्ति से रहित है उसको, जैसे हम अपने बच्चों को आसक्ति से प्रेरित होके पालन पोषण करते हैं, क्योंकि हमारी एक नेचुरल आसक्ति है अपने बच्चों के प्रति, हम भी उसके बच्चे हैं, ईश्वर के, आप मैं हम सब, लेकिन फिर भी वह बगैर आसक्ति से अच्छे बच्चे को भी पैंपर करता है, खाना देता है, बुरे बच्चे को भी खाना देता है, और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है, वो है निर्गुण,
लेकिन गुणों को भोग रहा है किसके माध्यम से, हमारे माध्यम से, क्योंकि हमारे अंदर उसका अंश है। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है, दिखाई नहीं देता, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि जो आप ये लगा लीजिए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी जो चीज देखी जाती है वो भी उसके द्वारा बनाई गई है, उससे भी सूक्ष्म वो है, वो चीज भी उसी से बनी हुई है, तो सूक्ष्मता का आप हिसाब लगा सकते हैं। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त शासित प्रतीत होता है। वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों का धारण पोषण करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला, ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। जो गोड बोलते हैं ना, गोड जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रक्टर, ऐसे ही जो है यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश का संज्ञा दी गई है। ब्रह्मा पैदा करते हैं, जनरेटर हैं, और विष्णु ऑपरेटर हैं, ऑपरेट करते हैं, और जो डिस्ट्रक्टर हैं वो भगवान शिव शंकर हैं, वो वापस ले लेते हैं किसको, बॉडी को, ना कि आत्मा को, ना तो डिस्ट्रक्ट कर सक किया जा सकता है, ना पैदा किया जा सकता है, ना चलाया जा सकता है। आत्मा जो ईश्वर का अंश है वो पहले भी था, अब भी है, इसी वजह से, क्योंकि ये हमारा अज्ञान है कि हम आत्मा को और शरीर को शरीर समझ लेते हैं, और जब शरीर खत्म होता है तो हम रोने लगते हैं और परेशान होते हैं, जबकि हमारा मूल कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। वह परब्रह्मा ज्योतियों का भी ज्योति माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने की योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त होने योग्य है और उसके हृदय में विशेष, सबके हृदय में विशेष प्रकार से स्थित है। ज्योतियों का भी ज्योति, सूरज ज्योति शब्द बहुत छोटा है, सूर्य भी उसके तेज से चमकते हैं, तो उसका तेज क्या होगा आप समझ सकते हैं। माया से अत्यंत परे, यानी कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, और वो तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। तत्व ज्ञान का मतलब क्या है? तत्व ज्ञान का मतलब पहले भी समझाया गया है। तत्व ज्ञान का मतलब है कि हर चीज में ईश्वर को देखना, उस बात को एक्सपीरियंस करना, जो 11वें अध्याय में अर्जुन को एक्सपीरियंस करवाया गया, तभी उसके मन में 12वें अध्याय में जो क्वेश्चन पैदा हुए, 11वें अध्याय के अंत में जो क्वेश्चन पैदा हुए, वो तभी पैदा हुए जो भगवान पहले बता रहे थे, वही की वही क्वेश्चन उसके मन में पैदा हुए, क्योंकि अब उसने एक्सपीरियंस कर लिया। पहले वो केवल पूछ रहा था और भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को ही पैदा होता है, प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तू अनादि जान, शुरू से ही है, इसके बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, शुरू से है प्रकृति भी और पुरुष भी। राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न जान। जो हमारे अंदर राग पैदा हो रहा है, किसी के प्रति प्यार पैदा हो रहा है, मोहब्बत पैदा हो रही है, और द्वेष पैदा हो रहा है, गुस्सा पैदा हो रहा है, रोष पैदा हो रहा है, वो भी प्रकृति के द्वारा जनित हैं। तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकृति के द्वारा ही जनित हैं। कार्य जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा इनके जो एट्रीब्यूट हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनका नाम कार्य है। करण जो बुद्धि, अहंकार, मन, श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र, प्राण एवं वाक, घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, इन जो 13 जो नाम है, ये करण है को उत्पन्न वाली, ये सब यानी कि कार्य, करण, ये प्रकृति ही करवा रही है। और जीवात्मा जो है सुख दुख के भोक्तापन में भोगने में हेतु कहा जाता है। जब हमारा, जो हम इसको सच मान लेते हैं और इनके पीछे भागने लग जाते हैं, और तभी जो है हम सुख के भागी भी बनते हैं, दुख के भागी भी बनते हैं, कि प्रकृति दोनों को प्रोड्यूस कर रही है, सुख को भी और दुख को भी। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न तीन गुणात्मक त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, हर पदार्थ के अंदर तीन गुण में से एक गुण विराजमान होगा, या दो गुण ज्यादा होंगे, एक गुण कम होगा, या तीनों गुणों का कुछ ना कुछ समावेश होगा। तीनों गुणों को ही छोड़ना है, जब तक एक भी गुण को पकड़े रहेंगे तब तक जन्म होते रहेंगे, बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे।
इस देह में स्थित ये आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है, उसी का अंश ही तो है हम। वह साक्षी होने से उपदृष्टा, यथार्थ सम्मति देने वाले होने से अनुमता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भ्रता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, तथा शुद्ध सचिदानंदन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो वास्तव में परमात्मा का ही अंश है, लेकिन मन ने हमें छिपा रखा है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, अब यहां बताया हुआ है कि दृश्य मात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षणभंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है, तथा जीवात्मा नित्य चेतन निर्विकार अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंदन परमात्मा का सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण माइक पदार्थों के सन का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उसको तत्व से जानना है। एक सिंपल सी बात है, हर जगह पे ईश्वर को देखना और एक्सपीरियंस करना। वह सब प्रकार के कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर भी नहीं जन्मता। अगर ऐसा किया जाए तो तत्व से जानकर अगर कार्य करेंगे तो दोबारा जन्म नहीं होगा। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्यों ने शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के से ध्यान द्वारा हृदय में देखते हैं। बुद्धि को सूक्ष्म होना पड़ेगा, मन से बुद्धि पे जाना पड़ेगा, फिर बुद्धि को भी सूक्ष्म करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं शरीर की ओर हमारा ध्यान है, शरीर की ओर ध्यान को हटा के मन को रोक कर बुद्धि, फिर बुद्धि को भी सूक्ष्म करके और शुद्ध करके, तब ध्यान के द्वारा अपने ही हृदय में जहां वो बसते हैं ईश्वर के साक्षात्कार किया जा सकता है। अन्य कितने योगी जन ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। कोई भी योग कर लें, तरीका यही होगा, मन से बुद्धि, बुद्धि शुद्ध होगी, सूक्ष्म होगी, फिर अंत्यकरण में ईश्वर को देखा जाएगा। परंतु इससे दूसरे अर्थात जो मन बुद्धि वाले पुरुष हैं, जो इस प्रकार ना जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व ज्ञान के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदानुसार उपासना करते हैं, वह श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है, जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हो तो ही परमात्मा को प्राप्त होंगे। अगर आप ज्ञानी नहीं हैं तो ज्ञानवान पुरुषों से सुनकर भी आप परमात्मा के रास्ते पे जा सकते हैं और निस्संदेह इस संसार सागर को पार कर सकते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न जान, प्रकृति और पुरुष से उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। सब कुछ बन रहा है, चल रहा है, समाप्त हो रहा है, लेकिन परमेश्वर उसमें समाप्त नहीं हो रहे, वो है। जो ऐसा देखता है वही यथार्थ देखता है, क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा किए जाते हुए देखता है, वो आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। ये पहला श्लोक जो है, ये जो श्लोक जो है वो सांख्य योग से को बताते हैं, क्योंकि सब कुछ प्रकृति कर रही है और आत्मा भी निर्लिप्त नहीं है। इस तरीके से एटीट्यूड रखना, इस तरीके का सोच रखना और उस सोच पे कायम रहना सांख्य योग का विषय है। जिस न्याय पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित और उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है उसी क्षण सच्चिदानंद ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। ये निरंतर चलना चाहिए। जो ये बात लिखी हुई है कि हर जगह परमात्मा है, हर जगह परमात्मा है, हर जगह परमात्मा है, मेरी आवाज़ में परमात्मा है, आपके सुनने में भी परमात्मा है और आपकी समझ में भी परमात्मा है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसमें भी परमात्मा है, जो समझ पैदा हो रही है उसमें भी परमात्मा है, इस तरीके से समझते 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 एक दिन आप भी और मैं भी उस ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे और एकीकार हो जाएंगे, आप और मुझ में कोई भी फर्क नहीं रह जाएगा। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है ना ही लिप्त होता है।
लिप्त क्या होता क्यों क्या होती है, पुरुष और प्रकृति का जो संयोग है, जो पुरुष की यात्रा है वो प्रकृति की ओर होने लगती है, तो लिप्तता आ जाती है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, आकाश के अंदर सब कुछ बन रहा है, सब कुछ बुरा अच्छा सभी तत्व सभी केमिकल एवरीथिंग आकाश के अंदर हो रही है, लेकिन आकाश में लिप्त नहीं है, फिर भी वो आकाश के अंदर हो रहे हैं। वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण आत्मा निर्गुणी है, लेकिन बाकी सारे के सारे पदार्थ गुणी हैं, देह के गुणों से भी लिप्त नहीं होता, लेकिन हम उसके चारों ओर आवरण बना देते हैं, उस आवरण के कारण ही हम संसार के इस चक्र में फंस के खड़े हो जाते हैं। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जब आत्मा का प्रकाश शुरू होगा ना, तो क्षेत्र में सबको दिखना शुरू हो जाएगा, हर व्यक्ति को नजर आएगा। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, क्षेत्र को जड़ विकारी क्षणिक और नाशवान, क्षेत्रज्ञ को नित्य चेतना विकारी अविनाशी जानना ही इसके भेद को जानना है, तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों के द्वारा तत्व से जानते हैं, वह महात्मा जन ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से 13वां अध्याय जिसका नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान विभाग योग योग है, वो समाप्त हुआ। योगा मलाई पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस सीरीज के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको अवश्य जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया में ताकि इस महान ग्रंथ का आचार प्रसार हो सके। समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।